पूरा टब माँ। पूरा टब माँ काढ़ी दे बद्दू शाक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ज़िगज़ैग और इट्स वर्किंग। देख लीजिए, मैं पहली बार किया है ऑलरेडी। मतलब मेरा जो बाल का कंडीशन है वो अभी ऑयली भी नहीं है और ड्राई भी नहीं है। वो जो होता है ना मानसून में चिपचिपा बाल, वैसा हो गया है मेरा बाल का हालत। पहली बार ऐसे ट्राई किया, जस्ट मैं नहाकर निकली तो चलो देखा कि काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी, हो ही नहीं रहा था। आज तो बोला नहीं, करना है। एक्चुअली मैं ना अपनी जो दूसरी जो मेरी चैनल है ना, उस पर मैं हेयर स्टाइल सीरीज़ में शुरू कर रही हूँ। तो मैं पहले ये तो खुद तो सीख लूँ, ये ज़िगज़ैग मुझसे हो ही नहीं रहा था, फिर फाइनली आज हो गया। और अभी मेरे फेस का हालत देखो, कुछ भी नहीं हुआ है। कल कोई व्लॉग नहीं डाला, कोई मूड ही नहीं था कल व्लॉग बनाने का। मेरा अगले व्लॉग का कोई व्यूज़ ही नहीं आया तो मेरा मूड ऑफ हो गया। आप लोग जानते हैं मैं कई बार इस बात को डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन ये हो गया, आई एम हैप्पी। तो सोचा कि चलो आपसे शेयर कर लूँ कि मेरा ज़िगज़ैग हो गया। यिप्पी नूडल्स वाली फीलिंग आ रही है। तो गुड्डू बाहर गया है मेरे हस्बैंड के साथ हेयर कटिंग के लिए। तो ये अभी जस्ट मेरे मदर इन लॉ के घर से झाड़ू पोछा करके आई है, क्योंकि वहाँ वो हाउस हेल्पर है वो नहीं आ रही है, बंद करवा दिया है हमने। क्योंकि वो बाहर से आती है तो फिर चांसेस ज़्यादा है कोरोना उनको लगने का। कुछ भी नहीं हो लेकिन फिर भी बार बार नज़र नहीं आ जा रही है। और आज वेनसडे है तो घर में जो मूंग बनते हैं वो बने हैं, राइस और रोटी बस, और कुछ नहीं। टिफिन मेरे हस्बैंड वो क्या बोलते हैं देने के गए हैं। गुड्डू का हेयर कट करा कर लाएंगे। गुड्डू का स्कूल का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, दो एग्ज़ाम हो चुका है 20-20 मार्क्स के, 20 में से 20 आ गए हैं, उसके लिए भी आई एम हैप्पी। और अभी थोड़ी सा चप्पट लग रहा है लेकिन कोई नहीं, वो जो है ना मैं एलोवेरा जेल लगाकर बालों में ड्रायर लगा दूंगी तो बाल मेरे फ्रेश हो जाएंगे। यहाँ के बाल है ना कम लगते हैं इससे। हाँ, तो मशीन का आवाज़ सुन रहे हो आप। कपड़े अभी धुले नहीं हैं क्योंकि तू ही देर से आई। मैंने कहा कि मैं आने से पहले ही झाड़ू पोछा कर गया, फिर वापस में पसीना पसीना वाली हो जाती है। तो अभी नहा कर निकली है तो मशीन अभी उसके आने के बाद चालू किया तो ऑलमोस्ट ड्राई होने को है। और अब तुरही खाने को बैठ चुकी है। और कल जो रात को मैंने खिचड़ी बनाई थी तो वो थोड़ी बच गई है, तो वो यहाँ ओनियन और गार्लिक डालकर उसको वघारेली खिचड़ी जैसा बना दिया है। ये है मूंग। किचन का हालत देखो मेरे किचन का। और बस यही बात करनी थी कि व्यूज़ नहीं आने पर डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ, लेकिन फिर मैं काफ़ी सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देख लेती हूँ कि नहीं अच्छे से काम करो, आपका ग्रोथ होगा, लोग लाइक भी करेंगे। मैं 100% एफर्ट डाल देती हूँ अपने वीडियोस में, लेकिन पता नहीं कि व्यूज़ में कमी क्यों रह जाती है। जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने व्यूज़ नहीं आते हैं। मैंने मेरा एनालिटिक्स जाकर चेक किया सब कुछ, जो नोटिफिकेशन भी 150 लोगों को जाती है, मतलब 657 सब्सक्राइबर है टुडे, आज के दिन में, आज 29 जुलाई है, उस दिन तक अभी 12:30 बजे 12:39 तब तक मेरे 657 657 और गुजराती में 657 बोलते हैं, इंग्लिश में 657 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उतने मेरे व्यूज़ नहीं आते। एनालिटिक्स में जाकर देखा तो 150 लोगों को, मतलब 150 लोगों तक मेरा नोटिफिकेशन जाता है, और जाने के बाद भी वो लोग वीडियो को क्लिक नहीं करता है। वो आई डोंट नो व्हाई वो लोग क्लिक क्यों नहीं करते। मैं 100% मैं डालती हूँ अपने वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, मेरा फैमिली का
जो कुछ पाते हैं वो आपसे शेयर करती हूँ, हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ चूक हो जाती है, वो चूक कहाँ हो जाती है वो मुझे मिल नहीं रहा। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर्स देखते हैं तो मुझे वो लूप होल बता दीजिए, तो मैं इम्प्रूव करूँगी अपने वीडियोस में। तो फ़ायदा होगा मेरी चैनल को। अगर वो क्या होता है कि सर्कल के अंदर बीप बज गया मशीन का, मतलब मशीन फिनिश हो चुकी है। अब मैं उसको दोबारा स्पिन पे डाल दूंगी, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया है मशीन चालू करने में, तो इन सारे कपड़ों को मैं पहले मिडल में ला दूंगी, उसके बाद वापस से स्पिन कर दूँगी। ठीक है, जा जाइए कुछ खाइए। तो यहाँ देखिए काफ़ी धूप है आज, बारिश का तो नामो निशान नहीं है। हाँ, तो मैं बात करती लूप होल्स की, अगर वो सर्कल के अंदर जब हम होते हैं तो हमको पता नहीं चलता बाहर का मतलब क्या प्रॉब्लम है। आप सर्कल के बाहर से देखते हो, आप लोग व्यूअर्स हो तो आप लोग ज़्यादा समझ पाते हो, ऐसा कोई यूट्यूबर्स बोलता नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ, एक सच्चाई है वीडियोज़ की जो हर कोई शेयर नहीं करता है। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए नया एप्रॉन लेकर आए हैं, जिसको अच्छे से गर्म पानी में धोकर सुखाकर यूज़ करने के लिए रख दिया है। मेरा पुराना वाला जो एप्रॉन था वो काफ़ी मतलब उसकी कंडीशन अच्छी है, लेकिन उसमें जो कुछ ज़िद्दी दाग धब्बे हो वो निकल नहीं रहे हैं, तो इस वजह से मैंने नया मंगवा दिया है, क्योंकि वीडियोज़ में कभी कभी पहनती हूँ तो आगे से बहुत बुरा लगता है, और मैं एप्रॉन हमेशा हाफ पहनती हूँ, यहाँ तक मुझे फंदे जैसा लगता है, तो मैं इसको ऐसा जो हाफ़ करके ये इस टाइप का हाफ़ करके मैं यहाँ नीचे से मैं पहनती हूँ। तो चलिए अब त्रुही लेने जा रही है गुड्डू को हेयर कटिंग सैलून से वापस, और उसके बाद वो खाने के लिए बैठेंगी, तब तक मैं अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ। गुड्डू ने खाना खा लिया है, त्रुही और मेरे हस्बैंड बाकी हैं, तो मुझे भूख लगी है ऑलरेडी, 12:42 हो चुके हैं, और आज ही आ गई है सब्ज़ी मेरे घर में, आलू लौकी भिंडी कुंदरू, इन सबको बाहर टब में पानी में रखा था आधा घंटा जितना, फिर अभी जस्ट इसको निकाल के यहाँ रखा है। तो ये थी मेरी आज सुबह से अभी तक की सारी अपडेट्स, तो चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। और ये गुड्डू यहाँ अपना शाम का स्टडी करने के लिए बैठ गया है, ये उसका न्यू हेयर कट जो वो सुबह को कराने के लिए गया था, क्वाइट डिफरेंट, कुछ अलग सा करके आया है वो, आज खुद से सिलेक्ट किया था। कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं ये हैंगर्स उसकी जगह पर हैंग कर रही हूँ, यहाँ रहते हैं मेरे हैंगर्स जो सुबह के टाइम कपड़े जब वॉश करके सूखने के लिए मैं डालती हूँ, तब यहीं से मैं हैंगर ले लेती हूँ। और चलिए आज आपको दिखाती हूँ मेरा टेरेस फर्स्ट टाइम, ये हम ऊपर जा रहे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा सा गंदा हो क्योंकि काफ़ी टाइम से सफाई नहीं हुई बारिश की वजह से। यहाँ हमारा सारा जो घर में जो टाइल जो मार्बल वगैरह एक्स्ट्रा था वो पड़ा है, और यहाँ वो जो मेरे किचन में जहाँ से उजाला आता है वो विंडो है यहाँ, और ये है हमारे घर के पीछे का व्यू जो नीचे से आप लोग हमेशा देखते हैं, तो ये है ऊपर से मैं, और ये हमारी एसी का जो जो आउटडोर जो यूनिट रहता है वो यहाँ रखा है, और इसके नीचे जो पार्ट है हमारे घर का वो जो मैं एसी वॉशिंग मशीन वगैरह रखती हूँ ना ये है, और ये सामने खेत है और पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है, और ये आप देख रहे हैं वो कॉमन प्लॉट है। तो ये मेरे घर का टेरेस का व्यू है, सिर्फ वन फ्लोर मेरा घर है, ऊपर नहीं है, सीधा टेरेस ही है, और ये नीचे मेरे हस्बैंड बातें कर रहे हैं, मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, और ये आगे की साइड की मेरी सोसाइटी का व्यू है, वो नीचे अपनी बातें कर रहे हैं, ये हमारे बाजू वाले का घर, ये सामने वाले का घर, ये वहाँ अंकल है जो गार्डनिंग कर रहे हैं, और ये एंट्रेंस है हमारे घर में आने का। और अब मैं नीचे जा रही हूँ, और ये फाइनली आप देख लीजिए मेरा टेरेस, गंदा नहीं है लेकिन जितना चाहिए उतना साफ़ मैं नहीं रख पाती हूँ, तो अब मैं नीचे जा रही हूँ।
काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही। तो चलिए आपको मिलती हूँ शावर लेने के बाद। तो मैं शावर लेके आ गई हूँ, जो मैंने एलोवेरा जेल लगाया था उसको लगाए ऑलमोस्ट आधा घंटा जितना हो गया था। मैं जस्ट शावर लेके आई हूँ, जस्ट मैं आ गया। ये देखिए और मेरी गुड्डी का हेयर स्टाइल, न्यू हेयर कट, अच्छा है ना? कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। इसने वो खुद कट करवाया, खुद इसकी स्टाइल चूज़ की है। वहाँ जो बुक पड़ी होती है ना सैलून में, तो उसमें से देखकर उससे ये हेयर स्टाइल चूज़ किए है ना। तो बस ये एलोवेरा जेल लगाने के बाद हम रहते हैं इंडिया में, तो मैं यहाँ अपने आईब्रोज पर और ये आईलैशेस पर रात को सोने से पहले मैं कैस्टर ऑयल लगा लेती हूँ, ताकि मेरी जो ये आईब्रोज की जो ग्रोथ है थोड़ी सी बढ़ जाए। वो अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, वरना मैं रात सोने से पहले जस्ट 2 मिनट के पहले मैं लगाती हूँ, क्योंकि पसीना ज़्यादा होता है, एसी ऑन होने के बाद मैं ये लगाती हूँ। और अब मैं सोने से पहले भी दोबारा एक बार मैं एलोवेरा जेल से अपने स्किन को मसाज करूँगी और एलोवेरा जेल अपने फेस पर छोड़ दूँगी। तो इस तरह से मैं अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ। वैसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरी स्किन में, जो पिगमेंटेशन के धब्बे थे, ब्लैक स्पॉट्स थे, वो काफ़ी कम हो गए। मैं काफ़ी टाइम से यही मेरा रूटीन है, मैं ये फॉलो करती हूँ। तो यहाँ इन दोनों की मस्ती चल रही है, ये देखो बच्चों की मस्ती। इसने इसकी स्केल ले ली है जो दे नहीं रहा है। तो ये हमारे घर में ये साइड का ये कमेंट्री चलता ही रहता है। तो बस अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। छोटा सा व्लॉग है, कुछ नया करने का ट्राई किया है। मेरे घर का टेरेस व्यू आज मैंने आपको दिखाया है, मेरी न्यू हेयर स्टाइल समरी दे रही हूँ मेरे पूरे वीडियो की। तो ये समरी थी मेरे पूरे वीडियो की, न्यू या ज़िगज़ैग हेयर स्टाइल ट्राई की है, गुड्डू का न्यू हेयर कट, मेरे टेरेस का व्यू, और टेरेस का व्यू दिखाया है फर्स्ट टाइम। और बस ये नाइट मेरी स्किन केयर रूटीन है छोटा सा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चलिए मिलती हूँ कल के लिए। ऑर्डर करना बटन।